my shoes, see the demons disguise. In pursuit of the truth, I put her on the line, yeah. ब्रिंडा ये क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है जो सोनी लिप पर रिलीज़ हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच का है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज़ कंप्लीट देख चुका हूँ। तो क्या खास है सीरीज़ में, आपको सीरीज़ को अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज़ की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस सीरीज़ में देखेंगे एक यंग पुलिस ऑफिसर ब्रिंडा की कहानी, जिसको तलाश है एक सीरियल किलर की। तो क्या ब्रिंडा अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल केस को सॉल्व कर भी पाएगी या नहीं, और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो कहानी सीरीज की बुरी नहीं है। अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री ड्रामास देखना पसंद आते हैं और अगर आपने इस जॉनरा में ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, तो फिर ब्रिंडा सीरीज आपको पसंद आ सकती है। ये सीरीज आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगी। तो ओवरऑल ये सीरीज आपका ठीक ठाक सा टाइम पास करवा देगी। और अच्छी बात ये है कि जिस केस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी, उसको सीजन 1 में ही खत्म कर दिया गया है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना होगा। अब इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो इस सीरीज की कहानी एक फ्लैट टोन में आगे बढ़ती रहती है। कहानी में अच्छा सस्पेंस, थ्रिल का एलिमेंट मिसिंग है, प्लस कहानी भी सीरीज की काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज के क्रिएटर्स भी फेल हो गए हमें एज अ ऑडियंस कहानी और करेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करने में। इस सीरीज की कहानी और करेक्टर्स आप पर कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बस हाँ, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस है वो अच्छी है। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को स्लो बर्न मिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद आते हैं और आपने इस जॉनरा में ज्यादा कुछ नहीं देखा है, तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए इस शो को देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस सीरीज को स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहो तो ये सीरीज फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो ओवरऑल देखते हुए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7/10। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज देखते रहने के लिए।